हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज हम कर लेते हैं अपनी रसोई की सफाई। तो इतनी गंदी हो रही थी मेरी रसोई, तो मैं रोज़ सोचती थी कि मैं साफ़ करूँगी, और चिपचिपाहट वाली है, जैसे चिकनाई वाली हो रही है बहुत ज़्यादा। टाइल्स वगैरह भी गंदे हो रहे हैं, लेकिन मैं कर तो लेती हूँ। लेकिन कई बार देखो तेल वेल आता है, और हमारे यहाँ ना चिमनी लगी हुई है ना एग्जस्ट फैन है, तो इस वजह से जल्दी चिपचिपाहट हो जाती है पूरी रसोई में। तो मैंने सोचा चलो आज कर लेते हैं रसोई को साफ। तो मैंने एक, जैसे रसोई साफ करने के लिए एक लिक्विड सा बना लिया है, तो आप देखना कैसे बनाती हूँ। तो पहले तो मैं वैसे ही कर रही हूँ कि चल कर लेती हूँ ऐसे ही, लेकिन फिर मेरा मन आया चल आज कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब हम एक बार ठान लेना कि हमें करना है तो हम करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। और देखो अभी मैं वैसे ही लगी हुई हूँ, लेकिन फिर मैं बनाऊँगी अपना। देखो बहुत सारा तामझाम हो जाएगा। फिर मैंने बना लिया था अपना साफ़ करने वाला, जैसे आप कॉलिन ही समझ सकते हो। तो पहले मैंने सिरका डाल लिया, वेनेगर डाल लिया, फिर मेरे पास खाना सोडा नहीं था तो मैंने बेकिंग सोडा डाल लिया है इसमें। तो हम बना लेंगे, और इससे हम अपनी रसोई को पूरी को टाइल्स वगैरह करके सब डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें विम बार, तो सारी चीज़ें हम डालेंगे इसमें। विम बार डाल लूँगी, फिर इसमें डाल लेंगे हम हल्का सा पानी। तो फिर ये हमारा लिक्विड हो जाएगा तैयार, और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो मैं पानी भी डाल लिया है, ये आरओ का पानी ले लिया था मैंने। तो फिर मैंने बना लिया है अपना लिक्विड, और इससे पूरी रसोई को मैं साफ़ करूँगी। और बिल्कुल चिपचिपाहट वाली गंदगी को और डाल लिया था, मुझे कम लग रहा था क्योंकि पानी डाल लिया था। तो फिर मैंने विम बार और डाल लिया, और बहुत अच्छा बना था सच्ची, और एकदम साफ़ सफाई हो गई थी बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो और देखो मेरी रसोई फैली हुई है, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ अपनी रसोई को साफ़। और देखना आप सारी ही चीज़ों को साफ़ कर लूँगी, चिपचिपाहट वाली सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और अभी मेरा सच्ची बताऊँ अभी एक बर्तन वाला स्टैंड रह गया है, तो मैं उसे भी साफ़ करने की कोशिश करूँगी, लेकिन वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि पहले मैं इन्हीं को कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अपने रसोई को ऑर्गेनाइज करूँगी कबाड़ से जुगाड़ लगा के, तो देखना आप कैसे कैसे करती हूँ मैं। और अभी रसोई फैली होती है, देखो मैंने सारा धीरे धीरे निकाल दिया और फास्ट कर दी है थोड़ी वीडियो, क्योंकि कोई लंबी वीडियो नहीं देखना चाहता। और सच्ची हम इतनी मेहनत से बनाते हैं वीडियो, लेकिन व्यूज़ सच्ची पता नहीं क्यों मेरी तो किस्मत ख़राब है क्या है। मैं इतनी मेहनत करके पूरा अपना 100% देना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों किसी किसी के भाग्य में होता है कि उसे जल्दी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, और मेरा तो है। मुझे लगता है मैंने हर चीज़ में देखा है कि मेरा भाग्य इतनी जल्दी मेरा साथ नहीं देता। तो मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं छोड़ दूँ, कुछ नहीं है, 2 साल हो गए मुझे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो जो किस्मत में होता है वही मिलता है, मेहनत करना हमारा काम है। और देखो हमें कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन हमारा है काम करना। और सच्ची बहुत मेहनत होती है इसमें, वीडियो एडिटिंग और फिर घर का काम, बच्चों को देखना, फिर अपना सारा। सच्ची मुझे बहुत दुख होता है कभी तो। और देखो मैं अपने सारे डब्बे वब्बे यहाँ से निकाल के साफ़ कर लूँगी। और देखो मैंने ऑर्गेनाइज़र बना दिया, ये मिठाई का डिब्बा था तो मैंने इसमें ही सारी चीज़ें रख दी हैं, तो कबाड़ से हो जाएगा जुगाड़ हमारा। तो हमारे ये वैसे ही वेस्टेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ रख दूँगी। और देखो ये आ रहा नहीं है, तो फिर मैं एक चीज़ निकालूँगी इसमें से, नहीं आ गया तो फिर मैं इसको लगा दूँगी, और इसको मैं अपने इसमें रख दूँगी। फिर मैंने ये तेल वेल के डब्बे थे, तो देखो नीचे स्लिप पे चिकने हो जाते हैं, तो फिर मैंने ये सूज का नहीं था ये और किसी का था डब्बा था, तो फिर मैं यहाँ रख दूँगी। तो ये चीज़ें मेरी यहाँ हो जाएंगी क्योंकि चिकनी नहीं होगी हमारी ये। तो फिर मैंने ले लिए थे, देखो ये है मेरी प्रेस का, तो इसमें दालें हैं थोड़ी सी, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें दाल हैं, थोड़ा सा कुछ बच गया तो ऐसी चीज़ें मैं रख देती हूँ इसमें। तो ये मैंने ये भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और ये आरा नहीं था, ये अचार का डब्बा था, तो फिर मैंने यूँ ही करके सारे रख दिए थे, तो ये हम रख देंगे इसको। और ये गंदा हो रहा था, तो फिर मैं बाद में साफ़ करूँगी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो ये साफ़ करके हम फिर रख देंगे इसमें। और एक जगह रखी रहेंगी चीज़ें तो मिल जाएगा, तो हमारा ऐसी चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे ये डब्बे ज़्यादातर देखो हम फेंक देते हैं, वेस्ट जाती है। और प्रेस की है, प्रेस का डब्बा है उषा का हमारा, तो फिर मैं रख दूँगी इसको। तो मेरी रसोई इतनी अच्छी लग रही थी, फिर बाद में मैंने देखा तो मन खुश हो जाता है अगर हमारी रसोई वगैरह
फिर देखो मैं इस तरीके से अपने मेरे पैदे बच्चों की क्लिपें वगैरह रहती हैं ये वाली, तो ये मेरे मखाने थे तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए। तो ये टिप्स और ट्रिक के साथ मैं आज अपनी रसोई साफ़ कर रही हूँ और देखती हूँ मेरी वीडियो कितनी दूर तक जाती है, लेकिन जाती नहीं है, मुझे मालूम है मेरे 100-200 व्यूज आ जाएँ वही बहुत होते हैं, लेकिन सब किस्मत की बात है। मैंने देखा है ज़्यादातर मेरी किस्मत इतनी जल्दी साथ नहीं देती, और पता नहीं और देगी कि नहीं देगी, लेकिन यह मेरा काम करना है। भगवान जब चाहेंगे जब मिलेगी मुझे कामयाबी, कोई बात नहीं, अपनी मेहनत करते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानूंगी मैं। बेशक मेरे व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मेरी मेमोरी सेव हो रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है अपनी वीडियो देखना, और मेरे बच्चों के बर्थडे वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं अपनी रैकों की भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि अखबार बिछा दिए हैं मैंने, क्योंकि कपड़े जैसे बहुत दिन से नहीं निकाले थे मैंने, तो मैंने सोच लिया था आज मुझे रसोई पूरी क्लीन करनी है, एकदम बहुत ज़्यादा साफ। मैं और कुछ दिखाऊंगी भी नहीं, सिर्फ रसोई का ही दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी रसोई या किसी भी चीज़ को साफ़ कर देते हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अखबार बिछा देंगे हम, और बहुत अच्छे से हम अपने बर्तनों को लगा देंगे, तो अखबार थोड़े कम पड़ गए थे मेरे से, तो ऊपर मैं ऊपर भी बिछा दिए थे मैंने, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया था, लेकिन फिर मैंने घर में थे थोड़े से तो फिर मैंने ले लिए, और बड़े हिसाब से लगाने पड़ते हैं ये भी, तो मैं वीडियो काट रही हूँ सॉरी इसके लिए। तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती होगी मेरी वीडियो में, जो कि आगे नहीं बढ़ पाती, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ वही करती हूँ, क्या करूँ, जितना जानते हैं उतना ही कर सकते हैं, अनाड़ी लोग हैं हम। तो मैं अब अपनी जैसे सनमाइका वगैरह भी इसी से साफ़ कर लूँगी, तो बहुत अच्छे से करूँगी। तो मुझे मेरी जो रसोई है ना, इसकी सनमाइका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये क्रीम कलर है, तो ये पता नहीं लोग डार्क कलर लगाते हैं, लेकिन मुझे हल्के कलर ज़्यादा पसंद हैं अपने रसोई में। टाइल्स भी मुझे हल्के कलर के ही अच्छे लगते हैं, वाइट वगैरह हो तो ही अच्छे लगते हैं। फिर मैं कर लूँगी ऊपर की सफ़ाई। तो मैं स्टूल पे खड़ी हो गई हूँ, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मैं अपने रसोई की डब्बे वगैरह, और पहुँचती जाऊँगी साथ के साथ। और देखो मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, तो डर भी लगता है, लेकिन कर लेते हैं, जब हम ठान लेते हैं सफाई करने का तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर मैंने उसी जैसे कॉलिन ही समझ लीजिए, उसी से फिर मैंने अपनी टंकियों को साफ़ कर लिया था, और एकदम चमचम आ गई थी, तो टंकियाँ भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर हम कर लेते हैं इनको साफ़ और धो देते हैं। तो हो गई थी मेरी टोंटियाँ, तो ये थोड़ी भद्दी सी दिख रही हैं इसमें, लेकिन साफ़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं अपने कपड़े लगाने आ गई थी, क्योंकि प्रेस किए थे मैंने रात को, तो नहीं लगा पाई, क्योंकि देखो कई बार काम करते करते भी हम थक जाते हैं, तो फिर हमारा मन करता है। और देखो मेरी रसोई को देख सकते हो आप, कितनी साफ़ सुथरी और क्लीन हो गई है। अरे यहाँ और देखो एक एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, बिल्कुल क्लीन हो गई है, और बहुत अच्छे से मेरी रसोई साफ़ हो गई है, मन को सुकून देने। और इसमें आलू बॉईल करूँगी या करने वाली हूँ ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन देखो मेरी रसोई एकदम क्लीन, नीट और क्लीन हो गई है, तो मन खुश हो जाता है। दीपावली जैसी हो गई है मेरी सफाई, लेकिन एक कमी रह गई है बस, मेरा स्टैंड रह गया ये साफ़ करने के लिए, तो मैं इसे करूँगी किसी दिन। तो ये देखो मैंने डब्बे वगैरह खूब अच्छे से लगा दिए हैं, तो मखाने वगैरह भी देखो सब सेट कर दिए हैं मैंने सारी चीज़ें, और मन को संतुष्टि होती है, खुशी होती है अगर हम कोई काम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हम वीडियो का जैसे अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना, अगर कोई कमी होती है तो प्लीज़ बताना। और देखो मेरा घर ऐसा पड़ा है मैं दिखा रही हूँ, तो अब इसकी साफ़ सफाई होगी, तो हम वीडियो का एंड करेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त, जय माता दी।